कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा छठ के गाइडलाइन को लेकर विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण बढ़ने की भय की बात करते हुए सूबे की सरकार के द्वारा लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर जारी किए गए गाइडलाइन, जिसमें नदी, घाट, तालाब एवं जलाशयों में इकट्ठे होकर छठ व्रत नहीं करने की निर्देश दी गई है। उसके खिलाफ विभिन्न संगठन के लोगों ने सोमवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया एवं सरकार विरोधी नारेबाजी की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। हालांकि धनबाद थाना प्रभारी ने लोगों को पुतला दहन करने से रोकने का भरकस प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने। ये जो सरकार है, साफ तौर पे हिंदू विरोधी सरकार है और ईसाई मिशनरियों के द्वारा मिली भगत से ये सरकार फैसला लिए हुए है और कभी भी हिंदू समाज इस फैसला को नहीं मान रही है। और हिंदू समाज से सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है कि आप अपने छठ घाट पे आराम से पूजा कीजिए, क्योंकि ये छठ पूजा हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है हेमंत सोरेन के द्वारा। और छठ के सिर्फ पूर्व चार दिन पहले ये ऐसा बयान देना काफ़ी निंदनीय है और हम सभी से आग्रह करते हैं और इस राज्य सरकार को खुली चेतावनी देना चाहते हैं कि छठ घाट पे ही छठ होगी और अगर प्रशासन या सरकार को इसे रोकना होगा तो हम सभी हिंदुओं के छाती पे बुलडोजर चला करके इसे रोकना होगा, तभी ये छठ पूजा का पर्व रुक सकता है।